चुनावी सरगर्मी के बीच में भाजपा ह सोशल मीडिया के जरिए मतदाता मन ला रिझाए बर अपन पदाधिकारी मन ला साधना शुरू कर दिए है। 65+ ला पार करे बर भाजपा के आईटी सेल ह पुरजोर तरीका ले बूथ स्तर तक अपन पकड़ जमावत है ताकि ये बार के चुनाव में कोनो कमी झन रही जाए। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में युवा और नवा वोटर मल्ला साधे भर भाजपा हा त्रिपुरा फॉर्मूला में सोशल मीडिया टीम बना है। पहली बार सोशल मीडिया के टीम प्रदेश के सबो 90 विधानसभा मन में काम करी। एक काम के मॉनिटरिंग पर प्रदेश कार्यालय में आईटी सेल के पदाधिकारी मल्ला तैनात करेगी है। भाजपा के फोकस व्हाट्सएप में है और मन बूथ लेवल में टीम बना के चुनाव लड़े पर जाते। पार्टी हर विधानसभा के फेसबुक पेज घलो बना है। खास बात यह है कि विधानसभा स्तर में मुद्दा तलाशे जाते और क्रिएटिव टीम के घलो तैनात करे जाते। भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी मन बताए कि सोशल मीडिया टीम में अलग अलग सेक्टर के वॉलंटियर है। इमा समाज के हर वर्ग ला जोड़े के काम करे जाते। विधानसभा क्षेत्र में टीम के सदस्य मल्ला 100-100 व्हाट्सएप ग्रुप बना के जनता ला पहले जोड़ना है, फिर ग्रुप में केंद्र और राज्य सरकार के योजना मन के चर्चा करना है। टीम के युवा सदस्य युवा मन के मुद्दा में चर्चा करी तो इंजीनियर डॉक्टर और कलाकार मन अपन सेक्टर के बात और समस्या मन में फोकस करी। खास बात यह है कि ये सिस्टम में गांव ले लेके प्रदेश स्तर तक ला जोड़े के काम करे जाते। भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी मन बताए कि हर पदाधिकारी ला निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम 100 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और पार्टी के नीति मन ला पहुँचाए। इमा पहली बार वोटर मन के अलग ग्रुप बनाए जाए। ये टीम केंद्र और राज्य सरकार के योजना मन के संग में कांग्रेस के दुष्प्रचार के घलो लगातार जवाब दी। भाजपा चुनाव में सबले ज्यादा व्हाट्सएप में फोकस करत है। गांव गांव में मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करेगी है। अभी जिला मंडल तक फोकस रही, फिर अब बूथ स्तर में घलो पहुँचाए जाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया को शुरू से बड़ी गंभीरता से लिया है और इस बार चूंकि सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बूथ तक पे फोकस कर रही है सोशल मीडिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार व्हाट्सएप को अपना चुनावी हथियार बनाया है सोशल मीडिया में। लगातार हमारे ग्रुप बनते जा रहे हैं, चाहे वो हमारे जिले और मंडल के हों, और जैसे चुनाव समीप आते जा रहा है तो विधानसभा स्तरीय और बूथ स्तरीय शक्ति केंद्र स्तरीय इस तरह की हमने कैटेगरीज बनाई हैं और उसमें हमारे ग्रुप बन रहे हैं। कंटेंट जाते हैं और पूरे सभी ग्रुपों में उसका वितरण किया जाता है। तो मुझे लगता है एक मजबूत आधार बन रहा है जिसे चुनावी समय में हमको काफी लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से मिशन 65 में इसमें हमको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी गंभीरता से ले रही है। बाकी चुनावी रणनीति के साथ साथ सोशल मीडिया में भी कैसे प्रभावित हो, इसलिए लगातार चिंतन मनन हो रहा है और वरिष्ठों से हमको लगातार मार्गदर्शन भी मिल रहा है। आम लोगन मन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के विजन और मिशन के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम ले जानकारी दिए जाते। उम्मीदवार चयन में फीडबैक ले बर और वोटर मल्ला बूथ तक पहुंचाए के घलो काम भाजपा के आईटी सेल करी। ऐसे में 2018 के विधानसभा चुनाव सोशल मीडिया के दृष्टिकोण ले काफी महत्वपूर्ण माने जाते। देश टीवी पर कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य के रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बदलाव लाए बर और अपन सहित नेता मन के सपना ला पूरा करे बर कांग्रेस संकल्प शिविर लगावत है। इस संकल्प शिविर में शामिल होए बर रायपुर पहुंचे कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया हां मीडिया ले चर्चा के दौरान कही कि संकल्प शिविर मन के आयोजन ले कांग्रेस संगठन ला मजबूती मिले है और आने वाला चुनाव में मिल के मजबूती के संग में लड़े के ताकत मिलत है। आप मन बता दें कि 2013 के चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता मन परिवर्तन यात्रा निकाले रही। छत्तीसगढ़ में बदलाव लाए के संकल्प के संग में फिर ये यात्रा माओवादी मन के हमला के बाद में अधूरा रह गई रहीस। एमा कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के लगभग सबो नेता मन शहीद हो गई रहीस, जेकर सेती ये संकल्प यात्रा अधूरा रह गई रहीस। अधूरा पड़े संकल्प ला पूरा करे बर कांग्रेस पार्टी ये बार प्रदेश के सबो 90 विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजित करत है। संकल्प शिविरों का आयोजन है महासमुंद बहरवारा और फिर सरगुजा क्षेत्र के सभी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जाना है और निरंतर संगठन को मजबूत करने के लिए सब ये कार्यक्रम हो रहे हैं। चुनाव भी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा तो उसको मद्देनजर रखते हुए सभी लोगों को एक साथ जुटाकर मजबूती के साथ में चुनाव लड़ना है और राहुल जी के पीछे कार्यक्रम देने के बाद उनके आगमन के बाद
लोगों में बड़ा उत्साह हुआ है, कांग्रेस पार्टी के लोगों में भी और बाकी आम जनता में भी। तो मुख्यतः यही है संगठन को मजबूत करने का। प्रदेश में सबो स्कूल 16 जून ले शुरू हो जाही। एकर बर शिक्षा विभाग ह जिलावार निर्देश घलो जारी कर दिए है। कोनो लइका स्कूल जाए ले छूट झन जाए, एकर बर विशेष ध्यान रखे जाते। संगे मा ही शिक्षक मन ला बेसलाइन टेस्ट ले के जिम्मेदारी घलो दिए गए है। सरकारी स्कूल मन में 16 जून ले दाखिला के प्रक्रिया शुरू होही। स्कूल में बिना कोनो शुल्क के पालक मन ह लइका मन के नाम लिखवा सकत है। एकर अलावा शिक्षक मन ले जिम्मेदारी दिए गए है कि मन जुलाई के पहली हफ्ता तक जेन कक्षा में पढ़ा थे वो कक्षा के बेसलाइन टेस्ट अवश्य ले। एकर अलावा शिक्षक मन के जिम्मेदारी हुई कि मन ह लइका मन ल स्कूल तक घलोक ले जाए। कोनो लइका स्कूल जाए ले छूट झन जाए, एकर भर आंगनवाड़ी केंद्र ले लेके आसपास के मोहल्ला में शिक्षक मन ह भ्रमण करके लइका मन के दाखिला कराही। पालक मन ल अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुले के बेसब्री ले इंतजार है। प्रदेश के हर ब्लॉक में दो दो अंग्रेजी माध्यम स्कूल के प्रस्ताव है। एकर मुताबिक 292 स्कूल खुलना है। ऐसे में 3 महीना पहले जिला ले स्कूल मन के नाम और जानकारी भेजे के बाद घलो अंतिम रूप ले कौन से स्कूल अंग्रेजी माध्यम में संचालित होही विभाग है एकर निर्णय नहीं ले पाए। अंग्रेजी में ABCD के पढ़ाई पहली कक्षा और 6वीं कक्षा ले शुरू कराए के तैयारी है। लिहाजा पालक मन घलो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के इंतजार करत है। उम्मीद है कि स्कूल में पालक मन के रुझान घलो ज्यादा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। द्रोणिका चक्रवात के वजह ले मौसम है एक बार फिर करवट बदले है। राजधानी सहित प्रदेश में कोनो कोनो मेरा गरज चमक के संग में हल्का बारिश देखे पर मिली। मौसम विभाग के अनुमान है कि अगला 3-4 दिन तक मौसम के यही हाल रही। एक संगे माही प्रदेश के तापमान में कमी के संग में लोगन मल्ला गर्मी ले राहत घलो मिली। दक्षिण उत्तर भारत के कुछ हिस्सा में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होए के बाद में राजधानी रायपुर में शुक्रवार के रात फिर ले गरज चमक के संग में हल्का बारिश हुई। वही शनिवार के दिन भर सुबह ले शाम तक तीखा गर्मी पड़ी। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री के उछाल है। अधिकतम तापमान शहर में 41 डिग्री दर्ज करे गए है जो सामान्य ले 1 डिग्री कम रही। राजधानी में न्यूनतम तापमान 35.5 डिग्री रही। रात में गरज चमक के संग में बारिश हुई ले ठंडा हवा चले ले उमस ले घलो राहत मिली। रायपुर में आर्द्रता सुबह 59% रही जबकि शाम की आर्द्रता 30% ही रही। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ ले होते हुए तेलंगाना तक एक द्रोणिका बने हुए हैं। एकर ऊंचाई समुद्र तल ले 0.9 किलोमीटर तक है। संगे माही छत्तीसगढ़ के ऊपर एक चक्रवाती घेरा घलोक बने हुए हैं। यही कारण ने राजधानी समेत प्रदेश में कोनो कोनो मेरा गरज चमक के संग में हल्का और मध्यम बारिश हुआ थे। इसी तरह ले मौसम अभी 1-2 दिन तक ऐसे ही रही। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करे है कि प्रदेश के कुछ स्थान मन में गरज चमक के संग में तेज हवा चले के संभावना घलो है। रायपुर में आकाश अंशिक मेघ में रही और शाम के गरज चमक के संग में छीटा पड़े के घलोक संभावना है। संगे में ही कुछ स्थान मन में मौसम शुष्क रहे के बाद घलो मौसम विभाग कही कि अभी मौसम विभाग में जो अंदाज हमारा ये है कि जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर तो गरज चमक की स्थिति आगामी 4-5 दिन करीब करीब 5 दिन का हम पूर्वानुमान देते हैं तो बनने की संभावना हमने व्यक्त करी है। और जो एक्सट्रीम उत्तरी भाग है जिसमें कि अंबिकापुर और बिलासपुर संभाग है वहाँ भी आज गरज चमक की स्थिति दोपहर के बाद बन सकती है। और आगामी 24 से 48 घंटे के बाद केवल दक्षिणी भाग में ऐसी संभावना ज़्यादा है कि गरज चमक की स्थिति बनेगी। उत्तरी भाग और मध्य भाग में मौसम लगभग शुष्क सा रहने की संभावना है। बहरहाल प्रदेश में रुक रुक के हुआ बारिश ला प्री मानसून के रूप में देखे जाते। ऐसे में लगते कि जून के मध्य तक पूरा प्रदेश में मानसून आ जाएगी। देश टीवी पर कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य के रिपोर्ट। और जात जाते एक नजर सुर्खी मन में। गिरफ्तार हुए नर्स मन खुले आसमान के नीचे गुजारिश रात। सरकार के खिलाफ नर्स मन के आक्रोश जारी। चुनाव के सरगर्मी के राजनेता मन पर असर। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ले छत्तीसगढ़ में चुनौती नहीं। और सोशल मीडिया के संग में भाजपा लड़ी चुनाव। गांव गांव तक करे जाही सदस्य मल्ला मजबूत। देश टीवी के सबो कार्यक्रम और समाचार मल्ला देख सकत आप मन हमारे यूट्यूब चैनल में घलो। जोहार रायपुर में जितना ही मुला दविदा। जय जोहार।